मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालयी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात करने जा रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अमेरिका भ्रमण। वो कल जाने वाले हैं अमेरिका, जहां की संयुक्त राज्य महासभा को संबोधन करेंगे, और उससे पहले उनका 2-3 संबोधन अमेरिका में रखा गया है। बताया जाता है हार्वर्ड में भी है और जगह वहाँ उनका स्पीच डिलीवर किया जाएगा। मित्रों, अब एक बात आती है कि भारत का घोर विरोध करना, नेपाल की उग्र राष्ट्रवादियों का और उग्र राष्ट्रवाद का एक हिट फार्मूला हो गया है, और ये हमेशा इसी फार्मूला को नेपाल के कुछ नेता अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करते आए हैं कि जब उनको जरूरत पड़ती है तो भारत का के उग्र राष्ट्रवाद का यह फार्मूला को लागू कर देते हैं, और जब भारत से कुछ काम पड़ता है तो फिर भारत के पक्ष में हो जाते हैं। अब आपको बतावे कि मैं यह बात क्यों कर रहा हूं आपसे, तो पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री सोमवार को हमारे संसद में जानकारी दे रहे थे, और सभी सांसदों के बीच वो अपनी अमेरिका भ्रमण का पूरा विस्तृत विवरण पेश कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल में अब जैसे हिमाल में जो हिम पिघल रहा है उसके बारे में चर्चा होगी, या और भी नेपाल की जो पंचशील पर आधारित विदेश नीति है उसकी चर्चा करेंगे, नेपाल के संविधान के बारे में भी वह चर्चा करेंगे। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने एक क्या कहा कि नेपाल एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर अपना संबंध कायम रखना चाहता है। अब देखिए, इस चीज़ को भी वहाँ उठाएंगे जो कि जिसकी जानकारी उन्होंने यहाँ दी। उन्होंने स्पष्ट कहा अपने सांसदों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी ऑफिस में भी, कि नेपाल क्षुद्र और जाली, जिसको कि क्षुद्र और नकली पड़ोसी के रूप में नहीं, नेपाल अच्छे पड़ोसी के रूप में व्यवहार चाहता है और व्यवहार करेगा। अब बताइए, ये जो पड़ोसी है नेपाल का, यह पड़ोसी दो है, एक भारत और एक चीन है, और ये इशारा किधर जा रहा है यह सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि अच्छे पड़ोसी के रूप में वो खुद रहना चाहते हैं, और ऐसे पड़ोसी के रूप में नहीं जो अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा कर रहता हो, बल्कि ऐसे पड़ोसी के रूप में रहना चाहते हैं जो कि अपने पड़ोसी का कल्याण देखना चाहता है, और वही नेपाल भी चाहेगा। यानी कि ये शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया है, जो क्षुद्र और जाली, क्षुद्र और नकली का व्यवहार, इस पर नेपाल में चर्चा चल रही है, बहुत जोर शोर से ये चर्चा चल रही है, वह भी ऐसा समय में जबकि वो खुद अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका जाकर वो बार बार अभी कोशिश की जा रही है कि मोदी साहब से उनकी मुलाकात हो। पिछले दिनों जब विदेश मंत्री आरजू देवपा का दिल्ली भ्रमण हुआ और उनकी जो खातिर बातिर हुई भारत में, उससे चिढ़े हुए
हमारे प्रधानमंत्री ने अभी अपना यहाँ तक कि प्रोग्राम भी भेज दिए हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, कि वो भारत के प्रधानमंत्री से ये साइड टॉक करना चाहते हैं, लेकिन आज तक उनको वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रयास जारी है। मैं बता दूं कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी साहब जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, हालांकि उनके बारे में कल ही इनका सलाहकार राजन भट्टराई ने कहा कि उनका भी आना वहाँ अभी निश्चित नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारे ओली साहब को क्या मिल पाएगा, लेकिन प्रयास जारी है। तो फिर भी एक और आप चाहते हैं कि हम मोदी साहब से मुलाकात भी करें, और दूसरी ओर वो आप बता रहे हैं अपने सांसदों को कि हम क्षुद्र और जाली संबंध पड़ोसी से नहीं रखना चाहते हैं, और हम क्षुद्र और जाली नकली पड़ोसी होकर न रहना चाहते हैं और न हम दूसरे से उम्मीद करते हैं। तो साहब आप किसको कह रहे हैं? यहाँ आपका दो ही पड़ोसी है, एक भारत है और दूसरा चीन है, तो चीन को आप कहेंगे ही नहीं, चूंकि आपका ट्रेंड जो है सो चीन के प्रति आपका रुख बहुत पहले से दिखा रहा है, और तब रहा भारत। तो रह रह कर आप अपने मित्र राष्ट्र को यदि क्षुद्र और नकली कहकर आप चिढ़ाएंगे और फिर उन्हीं से आप समय मांगेंगे और उनको जाकर सुनाएंगे, तो सुनाकर आप क्या कीजिएगा? आप तो कई बार बोल चुके हैं कि आपका बहुत सारा मुद्दा है जो कि सुलझना चाहिए, लेकिन नहीं सुलझ रहा है। सुलझाने के तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी ध्यान नहीं दिख रहा है, बल्कि उलझाने के तरफ, संबंधों को और उलझा कर रखने में इनका फायदा है। और यही बताया जाता है कि आप भारत के विरोध में रहना, भारत का विरोध जितना करेंगे उतना ही जन समर्थन हमको मिलेगा, यह मानसिकता नेपाल के वामपंथियों के बीच में फैल रही है, और इसी मानसिकता से नेपाल के वामपंथी रह रह कर अपना फायदा उठाते हैं, चूंकि वो भारत का विरोध करते हैं और भारत के विरोध करके कुछ अपने तरफ जन समर्थन बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के पत्र पत्रिकाओं में आया है, और उस पत्र पत्रिका से मैं, जैसे यहाँ के नया पत्रिका है उसमें रखा गया है, मैं उसी का पंक्ति आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए ओली साहब क्या कहते हैं, माँ नेपाल को सिर ढलने गरी, नेपाल को इज्जत तल पड़ने गरी, नेपाल को कुनी पनी हिसाबले प्रभाव प्रतिष्ठा हित सरोकार के ही पनी तल पड़ने न गरी काम गर्छु। यानी कि इनका कहना यह है कि हम नेपाल का सिर नहीं झुकने देंगे। आखिर ये सिर झुकाने आप जा रहे हैं संयुक्त राज्य महासभा को संबोधन करने, लेकिन आपका नेपाल का सिर वहाँ पर कैसे झुक जाएगा, ये बात यहाँ बोलने की क्या जरूरी है? और नेपाल का सिर आप ही से झुकेगा, किसी का मजाल है कि नेपाल का सिर झुका देगा? तो फिर आपको ये बोलने की क्या जरूरी हुई? और उन्हीं के शब्दों में मैं नेपाली में लिखा हुआ हूँ, यह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। नेपाल असल छिमेकी को रूपमा छिमेक संबंध कायम राख्न चाहन्छ, क्षुद्र र जाली छिमेकी होइन। उनले भने असल छिमेकी को रूपमा छिमेकी को अहित चिताउने छिमेकी को रूपमा होइन, छिमेकी को हित चिताएर काम गर्ने छिमेकी को रूपमा बस्न चाहन्छ, त्यस्तै व्यवहार छिमेकीहरूबाट पनि चाहन्छ। ये कौन सा व्यवहार? ये आपसे अगर मोदी साहब नहीं मिलेंगे तो नेपाल का अहित हो जाएगा, और आपसे मिलेंगे तो नेपाल का हित होगा, इससे तो यही
प्रश्न हो रहा है, और ये नया पत्रिका की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इस तरह नेपाल के और मीडिया क्षेत्र में और सामाजिक संजाल में लिया गया है कि मैं कल ही की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के पूर्व मंत्री श्री जयप्रकाश गुप्ता जी ने अपना एक सामाजिक संजाल पर बहुत अच्छा टिप्पणी किया है। मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ, ये नेपाली में है कि नेपाल को भारत संघ को संबंध कतिपय चीजों रहे को सत्य हो, माने नेपाल से जो भारत का संबंध है कभी कभी जरूर थोड़ा तनावपूर्ण रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को संसद जैसे निकाय में, संसद जैसे जगह पर भारत के लिए यह इतना निम्न स्तर का कटु भाषा का प्रयोग करना यह बिल्कुल ही उचित नहीं दिखता है। यह जयप्रकाश आनंद जी का टिप्पणी है। उन्होंने बहुत अच्छा आगे लिखा है कि नेपाल को छिमेकी को हुने यो हाम्रो रोजाई को विषय होइन, यो अपरिवर्तनीय छ। मतलब छिमेकी तो जो हमारा है वो तो दो ही है, इसको चेंज करने से ये परिवर्तन नहीं हो सकता है, वह छिमेकी पड़ोसी रहेगा ही। बोल रहे हैं ओली साहब, वो किस छिमेकी के बारे में? निश्चित ही चीन के बारे में नहीं, ये भारत के बारे में बोल रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उनका कहना है, मेरो विचार में प्रधानमंत्री ओली र काठमांडू का मेयर बीच को जस्तो संवाद, अब ये बार बार काठमांडू के मेयर बालेन से उनका तुतुमय में चलता रहता है, और उस तरह का कूटनीतिक क्षेत्र में ओली साहब का व्यवहार करना यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, और यह बिल्कुल ही अनुचित है। उन्होंने आगे कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन और कथित ग्रेटर नेपाल के फणीन्द्र नेपाल के जैसे संबंध नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक फणीन्द्र नेपाल का जो उल्लेख किया गया है, मैं उनके बारे में बता दूं कि नेपाल में एक ग्रुप है और एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जिसको कि कभी भी एक चाइनीज गिरोह है, एक अमेरिकन गिरोह है, और वो अमेरिकन गिरोह से आबद्ध लोग ग्रेटर नेपाल की बात कर देते हैं। इसी तरह ग्रेटर नेपाल की बात करने वाले फणीन्द्र नेपाल के बारे में बताया जाता है कि अभी जो एक्स है, एक्स ने एक पत्र लिखकर उसको बता दिया है फणीन्द्र नेपाल को कि तुम्हारा भारत में जो तुम्हारा मीडिया में जा रहे हो वह यक्ष में तुम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। और यह कनक मणि दीक्षित जी ने भी ट्वीट किया है और एक आर्टिकल उन्हीं की पत्रिका हिमाल खबर में छपी है, और हिमाल खबर में जो ये बात फणीन्द्र जी के बारे में करीब 3 पेज का आर्टिकल है, आप अगर देखिएगा तो पता चल जाएगा कि 3 पेज के आर्टिकल से यह लगता है कि अमेरिकन लॉबी किस तरह नेपाल में हावी हो रहा है, और वो जैसे कुछ हद तक बांग्लादेश में सफल हुआ है तो नेपाल में भी अपना चलाना चाह रहा है। अब फणीन्द्र नेपाल, ग्रेटर नेपाल के प्रवक्ता जो हैं, इनका कंटेंट हटा दिया है एक्स, और उसमें वो बता दिया है, एक पत्र जो लिखा है मैं उसी के शब्द में कहता हूँ, फणीन्द्र द्वारा लिखिए का एक्स का कंटेंट ले इंडिया सरकार को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को उल्लंघन गरे को छा, और इसलिए उस अकाउंट में का कंटेंट जो है सो भारत के अंदर उसको बैंड कर दिया गया है। तो इस तरह का
इसमें बताया गया है। और उसने जो एक्स ने पत्र लिखा है उसमें वो तीन ठो सुझाव भी दिया है उसको कि हम तुम्हारा इसका बैंड कर रहे हैं, लेकिन यह तुम चाहो तो तुम इंडिया भारत सरकार के नोटिस के खिलाफ तुम अदालत में जा सकते हो और अदालत से तुम अपना निर्णय करवा सकते हो। ये पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव है कि तुम स्वतंत्र जो सामाजिक संजाल है उसका प्रयोग कर सकते हो, उसके थ्रू तुम अपना प्रचार प्रसार और कुछ जो तुम्हारे पक्ष में अगर निर्णय होता है तो तुम करवा सकते हो। और इसके बाद अगर तुम चाहो तो इंडिया सरकार के इलेक्ट्रिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय अंतर्गत साइबर लॉ एंड डेटा गवर्नेंस में तुम संपर्क करो इसके लिए, लेकिन फिलहाल हम एक्स पर बैंड कर रहे हैं। ये बैंड जो है सो इस प्रकरण को खबर पत्रिका ने 3 पेज का जगह दिया है। अगर आप उसको पढ़ते जाएंगे तो तीनों पेज में केवल भारत का विरोध और एक्स पर कैसे प्रतिबंध लगाया गया, किस तरह एक्स के सीईओ को भारतीय मूल का सीईओ को रखा गया है, इस सब के बारे में चर्चा है। लेकिन फणीन्द्र को किस कारण बैंड किया गया है, क्या क्या वो संजाल में रखा, एक्स पर रखा, उसकी जिक्र कहीं भी नहीं। तो पूरा आर्टिकल पढ़कर केवल लगता है कि एक बड़ा गिरोह नेपाल में बन रहा है, जिस गिरोह को का मुख्य उद्देश्य है भारत के खिलाफ कार्रवाई करना और भारत के खिलाफ परिचर्चा करना। अब हम बता दें आपको कि एक जो इन पर ये जयप्रकाश गुप्ता पर रखा गया है जितेंद्र खड़गा का एक कमेंट है, वो बहुत अच्छा कमेंट है। उसने यह चीज़ कहा है कि यह बहुत ठीक है, इसमें आपके कमेंट में आपके स्टेटस पर कोई हम गलत प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह प्रश्न किया है कि बताइए जब इतना हो रहा है भारत के खिलाफ तो कभी भारत सरकार की स्थिति यह थी कि वो 24 घंटा के अंदर नेपाल में सरकार परिवर्तन करवा सकते थे। आगे उन्होंने लिखा है कि नेपाल बलियो भय को हो कि भारतीय पक्ष निरीह भय को हो, अगर इतना ताकत उसमें है तो अभी क्या हो गया है जो ये सरकार भी भारत के खिलाफ जा रही है और उसकी वामपंथी प्रचारक भी भारत के खिलाफ इतना ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। और क्या बात है जो आखिर नेपाल के राष्ट्रवादी कहाँ है, वो राष्ट्रवादी अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं जब उसका एक असल पड़ोसी है भारत, तो उसके खिलाफ ऐसा हो रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और फिर मीडिया, नेपाल की मीडिया जगत जो है यह भी चुप है, यह भी इस चीज़ को नहीं उछाल रहा है कि भारत का विरोध इस रूप से और इन शब्दों से क्यों किया जा रहा है, क्या इसमें चीनिया और अमेरिकन साजिश तो नहीं है जो कि यहाँ के लोगों को उकसा रहे हैं और केवल सत्ता के तरफ ही अपना स्वार्थ देख रहे हैं। मित्रों, आज ने मैंने इतनी बातें कही आपके समक्ष, आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत करावें। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।